ज़िंदगी में हमें वो चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए जो हमें अच्छी लगती है। अगर आप क्रिएटिव है फिर भी आपने अभी तक लिप्पन आर्ट ट्राई नहीं किया होगा तो ट्रस्ट मी, आपने लाइफ में बहुत कुछ मिस किया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनूज अकेडमी। यहाँ मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है, उस पर गणेश जी का ड्राइंग किया है, साथ ही फेविक्रिल का मोल्डेड क्ले जो 30-40 रुपए में आसानी से मिल जाता है। अब इसमें ये जो दो पैकेट्स है इसे हम एक मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके बाद अब हमारी मोल्डेड क्ले यूज़ करने के लिए रेडी है। आगे हमें लंबी गोलाकार शेप में स्ट्रॉ जैसी कड़ियाँ बनानी है और इसे कार्डबोर्ड पर लगाना है। ड्राइंग हमारा पहले से ही रेडी है, इसलिए उस पर हमें क्ले फेविकॉल की मदद से चिपकाना है। याद रखें, जब तक क्ले थोड़ी गीली है तब तक ही हम इस पर टेक्सचर दे सकते हैं। टेक्सचर देने के लिए यहाँ मैंने मंडला आर्ट के जो टूल्स थे वो यूज़ किए हैं, लेकिन आप कटर या फिर टूथपिक की सहायता से भी टेक्सचर दे सकते हैं। मोल्डेड क्ले जल्दी ही सूख जाती है और हार्ड हो जाती है। अब हार्ड होने के बाद हम इस क्ले से कुछ भी नहीं बना सकते, ये इस क्ले का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। इस पर उपाय बस यही है कि आप इसे थोड़ी थोड़ी करके मिक्स करें। आर्ट वर्क होने के बाद जो भी थोड़ी बहुत क्ले बच जाती है उससे आप दूसरा कुछ और बना सकते हैं। वीडियो पर बने रहे, आगे ये सब बातें हमने डिस्कस की है। अपने व्यूअर्स को मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने भी आज तक कभी क्ले वर्क नहीं किया है। अनुज अकेडमी के माध्यम से मुझे आज पहली बार लिप्पन आर्ट करने का मौका मिला है। क्ले के साथ काम करते हुए मुझे जो भी अनुभव आए उसे मैंने आपके साथ शेयर किया है। पहला आर्ट वर्क होने के बाद जो क्ले बची थी मैंने उसे मिक्स करके रोटी की तरह बेल लिया है और इसे बॉटल के ढक्कन पर इस तरह से रख दिया है। सूखने के बाद ये छोटा सा कंटेनर बन चुका है। इसके साथ ही हमारा जो पहला आर्टवर्क है उस पर हम जेस्सो अप्लाई करेंगे, जिससे कार्डबोर्ड पर कलर्स ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होंगे। लेकिन अगर आपके पास जेस्सो नहीं है तो आप कलर्स के 2-3 कोट भी दे सकते हैं। जेस्सो अप्लाई करने के बाद यहाँ मैंने वाइट एक्रेलिक कलर अप्लाई किया है। डिज़ाइन के अनुसार दूसरे भी कलर्स यूज़ किए हैं। कलर पूरा होने के बाद हम डिज़ाइन को डेकोरेट करेंगे। आवश्यकता अनुसार यहाँ हम मिरर भी लगा सकते हैं। लिप्पन आर्ट की ये एक खासियत है कि कम सामान में सस्ते में ये बन जाते हैं और काफ़ी सुंदर लगते हैं। वैसे अगर आप ये आर्टवर्क खरीदने जाते हैं या फिर अमेज़ोन से लेते हैं तो काफ़ी महंगे पड़ते हैं। बची हुई क्ले से हमने जो छोटा सा कंटेनर बनाया था उसे भी कलर कर दिया है। अब इसमें आप अपनी ज्वेलरी भी रख सकते हैं या फिर दूसरा सामान भी रख सकते हैं। बची हुई क्ले से मैंने कुछ और भी शेप्स बनाए थे, जिसे मिलाकर हम अगरबत्ती का स्टैंड भी बना सकते हैं। आज की हमारी तीनों DIYs आपको कैसे लगे हैं ज़रूर बताइएगा, साथ ही इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।